एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम रोस्टर बनाना सीखेंगे। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो बीपीओ इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, जहां पे आप एक रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने लोग आज काम पे आए हैं, कितने लोगों का एब्सेंट हुआ है, कितने लोग लीव में है, कितने हाफ डे प्रेजेंट हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें रहती है इसमें, जहां पे आपको निकालना पड़ता है एब्सेंटिज्म के बारे में, श्रिंकेज के बारे में, ये जो अधिकतर यूज होते हैं आईटी और बीपीओ सेक्टर्स में। तो आज हम इसी चीज को निकालना सीखेंगे रोस्टर की मदद से, जहां पे आपको ये सारी डिटेल्स पता चलने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं हूं विजय साहू और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहां पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और एक डेमो के लिए मैंने एक छोटा सा रोस्टर बनाया है जो कि 10 एडवाइजर का या एम्प्लॉयज का है। यहां पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय है 10 तक, उनके नाम है और उनके टीएल है। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये हमारा वीकडेज है। ये कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। उसके जस्ट नीचे आप डेज देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये कंप्लीट होता है ये पूरे 1 मंथ के लिए है। और आप नीचे देख रहे हैं ये है हमारा जो है प्रेजेंट, एब्सेंट, वीक ऑफ, जो वीकली क्रेडेंशियल होते हैं एम्प्लॉयज के, वो यहाँ पे मेंशन है। इसके साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लीव काउंट भी है, अगर कोई लीव में है, वीक ऑफ काउंट है, प्रेजेंट काउंट है, एब्सेंट काउंट है, एचडी काउंट यानी कि हाफ डे काउंट, फिर रोस्टर कितने थे, अटेंडेंस कितना परसेंट हुआ है, ये सारे को लेके मैंने एब्सेंट है, हाफ डे काउंट है, वीक ऑफ, ये सारे को लेके आपका अटेंडेंस परसेंटेज कितना हुआ उस दिन का, श्रिंकेज परसेंटेज कितना है, ओवरऑल कितना है, हाफ प्लस पीएचडी कितना है, ये सारे के सारे चीजें आपको इस रोस्टर पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको एवरेज भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले आप वीकडेज को कैसे मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा जो इस महीने का वीकडे जो स्टार्ट हुआ था वो है हमारा फ्राइडे से 1 तारीख का और एंड है 31 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्राई। आप फ्राइडे पूरा भी लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्राइडे लिखने के बाद आपको इसको, ये जो आपका पॉइंट आ रहा है प्लस का, इसको यहां से ड्रैग कर देना है एंड तक। तो ये आपका ये ड्रैग हो चुका है और आ चुका है संडे। अब हमें क्या करनी है, हमें अब आना है डेज में यानी कि डेट पे। डेट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम डेट लिखेंगे। तो एक डेट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ जैसे हम सेमी कोलन को प्रेस करेंगे हमारा डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे F2 को प्रेस करेंगे और 2 के जगह पे 1 दे देंगे, तो ये हमारा डेट आ चुका है। इसको क्या करना है, अब जो सेकेंड हमारा डेट रहेगा, अगर हमने वीक डेज की तरह इसे भी ड्रैग करना शुरू किया तो ये इस तरह से आएगी 2, 3, तो इस तरह से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं या तो फिर आप इसको पूरा बढ़ा दीजिए इस तरह से। ये आपका 31 तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे Alt H O I करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा ऑटो फिट हो जाएगी। यह हो गया हमारा डेट वाइज, ठीक है। अब हमें करना क्या, यहाँ पे जो क्रेडेंशियल आती है इसे प्रेजेंट में कलर चेंजेस हो जाते हैं उसे अब हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो लेके आएंगे क्या करेंगे, पहले इस एरिया को पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक है हमारा। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा में, वहां से आएंगे डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे लिस्ट में और हमारा देखिए ये ऑलरेडी मेंशन है तो कि प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हाफ डे, वीक ऑफ, ये सारे को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। ये हमारा हो चुका। होम टैब में फिर से जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेल्स करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे आएंगे। तो हमारा क्या क्या है, सबसे पहला हमारा पी है, हम चाहते पी हमारा ग्रीन कलर पे आ जाए। यहां पे हम कस्टम फॉर्मेट भी ले लेंगे, यहां पे फिल करेंगे ग्रीन कलर पे,
और ओके कर देंगे। यहाँ पे भी ओके। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं पी करता हूँ, अभी जैसे मैं यहाँ पे पी करूंगा तो ये ग्रीन कलर में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक उसी तरह से इसको पूरा फिर से सेलेक्ट करेंगे, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पी के जगह पे अब हम लिखेंगे एब्सेंट। एब्सेंट में हमारा क्या होगा तो रेड रेड कलर पे आएगा एब्सेंट हमारा, हमने रेड कलर कर दिया। फॉन्ट हमारा ब्लैक ही रहने चाहिए, ठीक है ये हमारा ब्लैक हो जाएगा फॉन्ट, ये हो गया ओके। फिर से हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर जाएंगे टेस्ट करेंगे। अब हम लिखेंगे यहां पे लीव के लिए, लीव में हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर जो आ जाएगा वो हमारा ब्लू हो जाती है, और ब्लू हो गया। यहां पे फिर से आएंगे तो जितने सारे हमारे लिए हैं, लीव हो गया, हाफ डे हो गया, हाफ डे कर देते हैं, यहां पर भी अलग कलर हो जाएगी। हाफ डे के लिए हम कर देते हैं ये कलर, फिर उसके बाद लास्ट है वीक ऑफ। वीक ऑफ के लिए हम क्या चूज करेंगे, यहां पे चूज कर देते हैं ये। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम यहां पे कभी भी कुछ भी अगर लिखेंगे, जैसे कि हमने यहां पे वीक ऑफ लिखा, वीक ऑफ देख रहे हैं, अब हाफ डे का करेंगे तो इस तरह से ये कलर चेंज होते रहेगा। ओके अब यहां पे हमें काम करें, सबको सबसे पहले प्रेजेंट डाल देते हैं, फिर वहां से हम ये कर लेंगे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट को एक साथ कंप्लीट करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी है दो, या तो आप पहले यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डी, उसके बाद कंट्रोल प्लस आर जैसे करेंगे तो ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। अब यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां पे अगर आपने वीक ऑफ डाल दिया तो वीक ऑफ चेंज हो गया, यहां पे हाफ डे डाल दिया आपने हाफ डे में चेंज हो गया, यहां पे आपने लीव कर दिया तो लीव में चेंज हो गया। सो अगर एब्सेंट आप करने हैं तो कैपिटल ए डाल दीजिए, एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है और क्या बचा है यहां पे, इस तरह से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है तो मैं क्या करता हूं इसको पूरी तरह से फिल कर देता हूं अभी। तो यहां पे मैंने इसे पूरा फिल कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है लीव काउंट का, इसे भी अब हम यहां पे फिल कर देते हैं। अब ये हमारा जो है वो फिल हो चुका है। अब यहां पे हम फॉर्मूलास लगाएंगे कि किस तरह से आप लीव काउंट, वीक ऑफ काउंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा लीव काउंट है, हम करेंगे इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया हमारा जो है वो हमारे यहां से लेकर 31st डे तक का क्राइटेरिया हम यहां पे चूज करेंगे, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब यहां पे लिखेंगे एल, फिर से ब्रैकेट कॉमा बंद और ब्रैकेट को बंद करके इंटर जैसे प्रेस करूंगा तो यहां पे देख रहे आप वन आ चुका है, यानी कि एक लीव यहां पे है। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला एम्प्लॉय है उनका सिर्फ एक लीव है यहाँ पे, सो ये आ चुका है लीव। अब मुझे ये चीज बाबा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आऊंगा ये कॉर्नर पे आके जो प्लस साइन हो रही है यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक पूरा ले लेगा लास्ट तक किसे कितने लीव लगे हैं। ठीक उसी तरह से अब हम देखेंगे वीक ऑफ काउंट के लिए, इक्वल टू काउंट इफ रेंज हमारा क्या है, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, हमने रेंज को यहां से सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी रेंज हो गई। फिर से उसी तरह से वीक ऑफ लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर, ये हमारा वीक ऑफ काउंट है दो। अब यहां पे फिर से हमने इसको डबल कर दिया, ये हमारा हो गया वीक ऑफ काउंट के लिए। फिर प्रेजेंट, अब हम लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए भी ठीक सेम फॉर्मूला काउंट इफ। मैं इसको फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं यहां से इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। हमें जो चेंजेस करनी है वो यहां पे सिर्फ पी लगानी है और इंटर मार। अब यहां पे हम जो करेंगे वीक ऑफ की जगह पे पी लगाएंगे, फिर से
यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ऑप्शन की जगह भी सेम लगाएंगे हम, हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, F2 को प्रेस करेंगे, P के जगह पे हमारा A आ जाएगा, हमने यहाँ पे A कर दिया, यानी कि दो एब्सेंट है। अब हमारा HD काउंट के लिए सेम फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सेम है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अगर आप जान सक रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला आपका लगभग सेम ही रहेंगे सबका निकालने के लिए। अब जो है रोस्टर काउंट, यहां तक तो सेम फॉर्मूला आ चुका, लेकिन रोस्टर काउंट के लिए आपको थोड़ा सा अलग लगाना होगा। अब हम निकालेंगे रोस्टर काउंट, रोस्टर काउंट में क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले हमारा आएगा पी, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, प्लस एब्सेंट काउंट, प्लस HD काउंट, HD काउंट कितना हमारा AN4, सॉरी HD काउंट है हमारा AN4, इसमें पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे ये हमारा रोस्टर आ चुका है, यानी कि प्रेजेंट है 24, एब्सेंट उसमें से दो है और एक का हाफ डे काउंट है, ठीक है, तो ये हाफ डे काउंट तो प्रेजेंट ही है, तो टोटल हो गया हमारा 24 27, और इसको हमने यहाँ ड्रैग कर दिया तो टोटल हमारा आ चुका है रोस्टर्ड। अब हम देखेंगे अटेंडेंस परसेंटेज, यानी कि परसेंट कितने थे, रोस्टर्ड कितने थे और प्रेजेंट कितने हुए, ये सारे का हम अटेंडेंस परसेंटेज निकालेंगे, उसके लिए इक्वल टू, तो ये हमारा प्रेजेंट से निकलेगा, पी डिवाइडेड बाय रोस्टर्ड काउंट और इंटर, बूम गाइस, अब देख रहे हैं ये हमारा हो चुका है अटेंडेंस का परसेंट। अब इसको हम यहां से ड्रैग करके नीचे तक लेके आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सबका अटेंडेंस परसेंट आया गया हर एक एम्प्लॉयज का। ओके, अब श्रिंकेज निकालेंगे, श्रिंकेज के लिए इक्वल टू एब्सेंट, श्रिंकेज जो है हमेशा एब्सेंट पे निकलती है, एब्सेंट डिवाइडेड बाय रोस्टर काउंट, तो हमने यहाँ पे रोस्टर काउंट डाल दिया, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे यहां पे हमारा श्रिंकेज परसेंटेज आ चुका है कि उस दिन में हमारा कितना श्रिंकेज था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे जो सेकंड में है लीव नहीं है, एब्सेंट एक भी नहीं है, तो हमारा श्रिंकेज काउंट कितना है 0। अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट एक लगा देता हूँ, आप देख रहे हैं वहां पे चेंजेस हो जाएंगे, बूम गाइस, ये देखिए आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है क्योंकि आपका एक एब्सेंट आ चुका। अब ओवरऑल, ओवरऑल मतलब कि 89 से कितना बच चुका है हमारा, कितना माइनस हुआ है, हम ओवरऑल निकालेंगे, क्या करेंगे 1 इक्वल टू करेंगे इक्वल टू 1 माइनस प्रेजेंट काउंट डिवाइडेड बाय रोस्टर, ठीक है। अब जैसे मैं पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे ओवरऑल यानी कि 89% अटेंडेंस है, और जो 100% में से ओवरऑल 11% जो है वो एब्सेंट में है, यानी कि श्रिंकेज आप ले सकते हो या फिर एब्सेंट ले सकते हो, जो कि अटेंडेंस नहीं है, एब्सेंटिज्म की दीवारे में। अब इसको मैं यहां से ड्रैग करके नीचे तक लेके आ जाऊंगा तो ये हमारा पूरा निकल चुका। अब पी प्लस हाफ डे इक्वल टू पी क्या है 24 प्लस हाफ डे 1 इक्वल टू, तो ये हमारा पी प्लस हाफ डे आ चुका, हमने इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ गए। अब यहां पे हम नीचे देखेंगे एवरेज, यानी कि अटेंडेंस का एवरेज कितना है, श्रिंकेज का और ओवरऑल का एवरेज कितना आया, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम इक्वल टू करेंगे, एवरेज लिखेंगे और ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज ब्रैकेट क्लोज्ड इंटर, 93% हमारा एवरेज है इन 10 लोगों का, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी इसको आप पकड़ के आप यहां से डायरेक्ट ट्रैक कर देंगे तो आपका टोटल एवरेज आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कंपनी का एक रोस्टर निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी रोस्टर बड़ा क्यों ना हो, थोड़ा आसान तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पे उसके साथ साथ आपका लीव काउंट, वीक ऑफ काउंट, प्रेजेंट काउंट भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।